हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों एक बड़ी अपडेट है, गुड न्यूज आप सभी से आप देख रहे हैं। खबर निकल के आ रही, एम्स में लागू हुआ आर्थिक आरक्षण, MBBS सीटों में होगी बढ़ोतरी। आपको बता दें 2019 में एम्स में EWS सर्टिफिकेट नहीं मान्य था, जबकि इस बार बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि कुछ समय पहले का आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि फाइनली एम्स की बॉडी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब एम्स में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को भी दाखिला मिलेगा। सीटें बढ़ के हुई 132। आपको बता दें कि इससे पहले 2019 तक एम्स में 107 सीटें थी, दिल्ली एम्स की बात कर रहा हूं, जबकि अदर ब्रांचेस की अलग लिस्ट थी। तो अब दिल्ली एम्स में 132 सीटें हो गई हैं। अगर आपको MBBS करना है तो 25 सीटें बढ़ाई गई हैं उन बच्चों के लिए जिनके पास होगा EWS सर्टिफिकेट। पूरी खबर देख बता दें आपको। दोस्तों आप जानते हैं कि भारत में जो है टोटल 15 ब्रांचें हैं, तो अब टोटल 15 ब्रांचेस में जो MBBS सीटें थी वो हो गई हैं समथिंग में 1200, यानी कि 25% सीटें इंक्रीज कर दी गई हैं एम्स के सभी ब्रांचेज में EWS सर्टिफिकेट होल्डर्स, यानी ऐसे बच्चे जो कि इकोनॉमिकली वीक हैं तो उनके लिए 25 सीटें बढ़ा दी गई हैं, जिसके चलते लगभग में 350 सीटें इंक्रीज कर दी गई हैं एम्स में MBBS की। दोस्तों बड़ी अपडेट है सभी छात्रों के लिए। जो छात्र MBBS करना चाहते थे एम्स से किसी भी ब्रांच से या दिल्ली एम्स से, तो अब उनको और आसानी से दाखिला मिल सकेगा क्योंकि एम्स की बॉडी ने फाइनली EWS होल्डर्स के लिए सीटों को बढ़ा दिया गया है। दोस्तों आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी बताएं।